हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज हम बात करेंगे लेमिनेट फ्लोरिंग फ्लोरिंग के के बारे में के दस दस के में कि एक 10 10 बाय कमरे कराने का क्या खर्चा आता है का कितना और लेबर का कितना इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लेमिनेट फ्लोरिंग कितने टाइप्स की होती है इसमें थिकनेस कौन कौन सी आती है और थिकनेस के बेस पर यह कहां कहां पर यूज होती है और लेमिनेट फ्लोरिंग के इंडिया में फाइव टॉप ब्रांड मीनस कंपनी कौन कौन सी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि लेट फ्लोरिंग की कोस्ट के साथ साथ आपके लेट फ्लोरिंग को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए ओके okay, फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो दोस्तों जानने से पहले आप यह समझो कि लेमिनेट फ्लोरिंग है क्या तो फ्रेंड्स फ्लोरिंग एमडीएफ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और एच हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड का बना सिंथेटिक मेटेरियल होता है जिसमें एमडीएफ और एचडीएफ वुडन प्लैंक के ऊपर मल्टीपल लेयर चढ़ाई जाती है लेमिनेट्स की और यह हार्डवुड जैसी लुक या फील देती है सेकंड अगर इसके थिकनेस की बात करें तो फ्लोरिंग एम एम से लेकर 12 mm तक की अलग अलग थिकनेस में आती है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि जो 6 एम mm थिकनेस वाली लेमिनेट फ्लोरिंग होती है यह लो ट्रैफिक एरिया और टेम्परे फ्लोरिंग के लिए सुटेबल रहती है सात से आठ एम एम थिकनेस वाली लेमिनेट फ्लोरिंग सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल घरों में यूज की जाती है दस एम एम थिकनेस वाली फ्लोरिंग फुट ट्रैफिक एरिया के लिए सूटेबल रहती है और ग्यारह से बारह एम एम थिकनेस वाली फ्लोरिंग कमर्शियल स्पेसिस और वेरी हैवी फुट ट्रैफिक एरिया के लिए बेस्ट रहती है थर्ड अगर हम टॉप तो फाइव लेमिनेट फ्लोरिंग ब्रांड के बारे में बात करें तो पांच बहुत ही पॉपुलर कंपनी है इंडिया में लेमिनेट फ्लोरिंग की एक्सेंटेसा पर्गो ग्रीन लेम इंडस्ट्री स्क्वेर फुट और आर्मस्टोन और मैं यहां किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैंने बस आपको फाइव टॉप लेट फ्लोरिंग कंपनी के बारे में बताया है आप इनमें से किसी के भी साथ जा सकते हैं और फोर्थ है एसी रेटिंग इसका मतलब है क्लास रेटिंग यही एसी रेटिंग रेटिंग तय करती है कि आपकी लेमिनेट फ्लोरिंग कितनी ड्यूरेबल और मजबूत है और इसकी लाइफ कितनी होगी एसी रेटिंग लेमिनेट फ्लोरिंग का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसकी ड्यूरेबिलिटी पता करने का लेमिनेट फ्लोरिंग को पांच कैटेगरी में बांटा गया है एसी वन एसी टू एसी थ्री एसी फोर और एसी फाइव एसी वन मॉडेस्ट रेजिडेंसियल यूज जो लाइट फुट ट्रैफिक के लिए सुटेबल रहती है जैसे बेडरूम और गेस्ट रूम वगैरह ए सी टू जनरल रेजिडेंशियल मॉडरेट फूट ट्रैफिक के लिए सुटेबल रहती है जैसे बेडरूम लिविंग रूम और डाइनिंग रूम ए थ्री हैवी रेजिडेंशियल और लाइट कमर्शियल ये हाइट फुट ट्रैफिक एरिया के लिए सुटेबल रहती है जैसे हॉलवेज और किचन ए सी थ्री लेमिनेट फ्लोरिंग ही घरों में सबसे ज्यादा यूज की जाती है एट एम एम थिकनेस के साथ ए फोर जनरल कमर्शियल यूज यह हाई कमर्शियल ट्रैफिक एरियाज में सुटेबल रहती है जैसे बैंकेट स्टोर एंड ऑफिस एसी फाइव हैवी कमर्शियल यूज यह बहुत ही ज्यादा हाई फुट ट्रैफिक एरिया में सुटेबल रहती है जैसे मॉल एयरपोर्ट और डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में नाउ अब हम बात करते हैं कि एक कमरे में लेमिनेट फ्लोरिंग कराने का खर्चा क्या आता है तो स्टेप वन है फ्लोरिंग एरिया और स्कटिंग एरिया को मेजर करने का मान लो हमारा एक रूम है 10 फीट बाय 10 फीट का तो हमारा टोटल फ्लोरिंग एरिया होगा एल इन बी

टोटल लेमिनेट फ्लोरिंग मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट होगी 114 सौ चौदह इंटू एक सौ पचास टू सत्रह हजार सौ रुपए अब हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर मटेरियल हम परचेज करें और लेबर को सिर्फ लेबर रेट पर ठेका देकर काम कराएं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी आपको मार्केट में ए सी थ्री रेटिंग एट एम mm थिकनेस की लेमिनेट फ्लोरिंग का सिर्फ मेटर मिल जाएगा नब्बे रुपए पर स्क्वेयर फीट तक में सेकेंड अगर हम लेबर रेट की बात करें लेमिनेट फ्लोरिंग की इंस्टॉलेशन के लिए तो ये रेट पच्चीस पर स्क्वेयर फीट से चालीस पर स्क्वेयर फीट तक रहता है

हमारी लेमेट फ्लोरिंग प्लैक्स प्रोटेक्ट रह सके और खराब ना हो जो आपको मिल जाएगी तीन रुपए पर स्क्वेयर फीट में और चौथा पोलिथीन के ऊपर हम एक तीन से चार एम मोटी फोम बिछाते हैं ताकि फ्लोरिंग पर चलते हुए जो आवाज होती है वह कम हो सके और यह फोम मिल जाती है पांच पर स्क्र फीट तक तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें मेटल प्लस लेबर प्लस पोलिथीन शीट प्लस फोम की तो नब्बे प्लस पच्चीस प्लस तीन प्लस पांच इजिकल टू एक सौ तेईस रुपए पर स्क्वेर फीट आती है तो हमारा टोटल फ्लोरिंग एरिया है एक सौ चौदह स्क्वेयर फीट

घर में लेमिनेट फ्लोरिंग कराते हुए कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे